वेलकम टू माई चैनल सिंपल ब्यूटी विद नीलांजना एंड आई एम नीलांजना। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी सोष्ठी स्पेशल मेकअप लुक एंड आई होप कि मेरी आज की ये सिंपल सोबर मेकअप लुक आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड खासकर ये वाली जो मेकअप लुक मैंने आज वेयर किया हुआ है ये आप डे टाइम में या फिर नाइट टाइम में आप वेयर कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सोबर है, ऑल्सो स्वेट प्रूफ है एंड बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग भी होगी, क्योंकि मैंने जितने भी सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं मेरा मेन फोकस था कि स्वेट प्रूफ हो ये मेकअप, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो। क्योंकि डे टाइम में जब आप पैंडल हॉपिंग करने के लिए निकलोगे या फिर नाइट टाइम में जब आप पैंडल हॉपिंग करने के लिए निकलोगे उस टाइम में अभी बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही है हमारे वेस्ट बंगाल में खासकर एंड साथ ही साथ गर्मी भी है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसा एक मेकअप लुक आप लोगों के साथ शेयर करूँ जो स्वेट प्रूफ हो, साथ ही साथ लॉन्ग लास्टिंग भी हो एंड आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देख लेते हैं आज के ये वाली मेकअप लुक मैंने कैसे अचीव किया है या फिर कैसे इसको क्रिएट किया है। सो गाइज, अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे मेक श्योर इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक ऑल्सो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऑल्सो गाइज, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। एंड गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस देख रहे हो, आगे भी आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे हेल्पफुल यूजफुल वीडियोस देखना है देन प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके लिए आपको क्लिक करनी पड़ेगी नीचे की रेड सब्सक्रिप्शन बटन में, उसके ही बगल में टिंग वाली छोटू सा बेल आइकन आएगी उसको भी क्लिक कर लीजिएगा सो दैट मैं जब भी नए वीडियोज़ अपलोड करूँगी उन सारे वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है पहले आपके पास पहुँच जाएगी। सो फ्रेंड्स, विदाउट फर्दर डू चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आई एम यूजिंग प्लम ग्रीन टी मैटिफाइंग मॉइस्चराइज़र। ये मॉइस्चराइज़र जो है आपके फेस में ऑयल आने से रोकेगी एंड लॉन्ग टाइम तक आपके फेस को मैटिफाई रखेगी, साथ ही साथ मॉइस्चराइज़ भी करती है। ऑल्सो इसमें है टी ट्री जो कि आपको एक्ने प्रॉब्लम, पिंपल प्रॉब्लम से भी दूर रखेगी। नेक्स्ट टू प्राइम माई फेस मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन न्यूयॉर्क की मास्टर प्राइम बाई फेस स्टूडियो प्राइमर इन दी शेड 100। ये प्राइमर क्रीम बेस में आती है, ऑल्सो आपके फेस को बहुत ही अच्छे से प्राइम करती है एंड जितने भी पोर्स है ओपन पोर्स उसको मिनिमाइज करती है, साथ ही साथ आपके मेकअप को भी बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाती है। नेक्स्ट फॉर फाउंडेशन आई एम यूजिंग मेबलिन सुपर स्टे 24 आवर फुल कवरेज फाउंडेशन। आई एम इन दी शेड 310 सन बेज। ये फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा मैटिफाइंग रखती है आपके फेस को, स्वेट प्रूफ रखती है एंड बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है। सो इस दुर्गा पूजा में अगर आप चाहो डे लॉन्ग कोई फाउंडेशन आप यूज़ करने के लिए आपका मन है देन आप इस फाउंडेशन को ज़रूर यूज़ करें। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर एंड आज मैं यूज़ कर रही हूँ निक्स की प्रोफेशनल HD कंसीलर। इट इज़ इन दी शेड मीडियम एंड जहाँ पे भी मैं हाईलाइट करना चाह रही हूँ जैसे कि मेरे अंडर आई जोन, ब्रिज अप नोज, फोरहेड एरिया, चिन एरिया, ऑल्सो मेरी कॉर्नर ऑफ द लिप्स, क्यूपिड बो, इस एरियाज़ में मैं कंसीलर को अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ एंड इसके बाद मैं पैक की जो डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर है उसके हेल्प से अच्छे से मैं ब्लेंड आउट कर लूँगी। नेक्स्ट आई एम यूजिंग मेबलिन न्यूयॉर्क फिट मी लूज फिनिशिंग पाउडर। इट इज़ इन द शेड 25 मीडियम मॉइन एंड जहाँ पे भी मैंने कंसीलर को अप्लाई किया था उस एरियाज़ को मैं सेट करने के लिए पाउडर को वहाँ पे अच्छे से मेरी डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट टू फिल माई आईब्रोज मैं फर्स्ट अपने स्पूली ब्रश के हेल्प से आईब्रोज को कॉम कर लूँगी एंड आफ्टर दैट मैं आज मेरी जो आईब्रो है उसको फिल करने वाली हूँ मेबलिन की आई स्टूडियो जेल लाइनर के हेल्प से एंड एक आईब्रो ब्रश के हेल्प से मैं अपने आईब्रोज को ड्रॉ कर लूँगी एंड आफ्टर दैट मैं फिर से स्पूली ब्रश के हेल्प से ब्रश करूँगी मेरे आईब्रोज को ताकि जो भी प्रोडक्ट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए।
नेक्स्ट मैं सेम कंसीलर के हेल्प से मेरे आईब्रोज को शार्प कर रही हूँ, लाइक क्लीन अप कर रही हूँ, ताकि मेरे जो आईब्रोज है वो और भी ज़्यादा शार्प दिखे। एंड आफ्टर दैट मैं एक पफी आई शेडो ब्रश लूँगी एंड उसके हेल्प से मैं मेरे कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी। नेक्स्ट मैं अपने जहाँ पे मैंने आईलिड पे कंसीलर को अप्लाई किया है ताकि वहाँ पे क्रीज ना पड़े, इसलिए मैं अपने कॉम्पैक्ट से जो पाउडर है उसको लेके मेरी कंसीलर को सेट कर रही हूँ। नेक्स्ट फॉर कंटोरिंग आई एम यूजिंग वेट एंड वाइल्ड मेगा ग्लो कंटोरिंग पैलेट, इट इज़ इन द शेड कैरामल टॉफी। एंड इस पैलेट से मैं जो कंटोरिंग शेड है उसको लेके मेरे फेस को अच्छे से कंटोरिंग कर रही हूँ। कंटूरिंग करने से आपके फेस में एक अच्छा खासा डायमेंशन आ जाती है एंड आपकी फेस अगर मेरे जैसी ही चबी है बहुत ही ज़्यादा स्लिमर दिखेगी। नेक्स्ट फॉर ब्लशर आई एम यूजिंग वेट एंड वाइल्ड कलर आइकॉन ब्लशर, इट इज़ इन द शेड मेलो वाइन। एंड मैं अपने एपल ऑफ द चिक्स एरिया में अच्छे से ब्लशर को अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं सेम कंटूरिंग पैलेट से जो हाइलाइटेड बनाना पाउडर शेड है इसको पिकअप कर रही हूँ एक फ्लैट टॉप कबूकी ब्रश के हेल्प से एंड मेरे चिक्स को और भी ज़्यादा शार्पर दिखाने के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ। आफ्टर दैट फॉर हाइलाइटिंग मैं आज यूज़ कर रही हूँ इन कलर कॉस्मेटिक्स की हाइलाइटर, इट इज़ इन द शेड 05 रेडियंट। एंड मैं ये वाली जो गोल्डन कलर की आप शिमर्स देख रहे हो इसको एक फैन ब्रश के हेल्प से मैं पिकअप कर रही हूँ एंड मेरी जो एप्पल ऑफ द चिक्स के ऊपर मेरी जो चीक बोन है वहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। ऑल्सो मेरे ब्रिज अप नोज, क्यूपिड बो एंड चिन एरिया में भी मैं इसको अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट आई एम यूजिंग मेकअप रिवोल्यूशन आई शेडो पैलेट, इट इज़ इन द शेड रिलोडेड पैशन फॉर कलर। एंड यहाँ से मैं ये वाली दोनों ब्राउन शेड को पिकअप कर रही हूँ एंड मेरी अपर क्रीज लाइन से लेके आउटर वी तक अच्छे से मैं ब्लेंड आउट करूँगी। नेक्स्ट मैं सेम कंसीलर के हेल्प से मेरी इनर कॉर्नर से लेके मेरी आईलिड की इनर थर्ड एरिया तक एक हाफ कट क्रीज ड्रॉ कर रही हूँ। एंड आफ्टर दैट मैं एक फ्लैट शेडर कंसीलर ब्रश लूँगी एंड उससे मैं कंसीलर को ब्लेंड आउट कर लूँगी। नेक्स्ट आई एम यूजिंग निका के न्यूयॉर्क परफेक्ट 9 आई शेडो पैलेट एंड इस पैलेट से मैं ये वाली रेड शिमर शेड को पिकअप कर रही हूँ एक फ्लैट शेडर स्मॉल ब्रश के हेल्प से एंड जहाँ पे मैंने कट क्रीज ड्रॉ किया है वहाँ पे मैं प्लेस कर रही हूँ। नेक्स्ट आई एम यूजिंग हिलरी रोडा आई शेडो पैलेट एंड इस पैलेट से मैं ये वाली जो रेडिश मरूनी शेड है इसको पिकअप कर रही हूँ एंड मेरी जो आउटर वी एरिया है वहाँ पे मैं इसे प्लेस करूँगी एंड ब्लेंड आउट कर लूँगी मेरी शिमर शेड के साथ। सेम रेडिश मैरूनी शेड को मैं एक स्मॉल पेंसिल ब्रश के हेल्प से मेरी जो लोअर लैश लाइन है वहाँ पे भी अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं आईलैश कलर के हेल्प से मेरे आईलैश जो है इसको कर्ल कर ले रही हूँ। एंड फॉर मास्कारा आज मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड मेगा प्रोटीन वाटर प्रूफ मास्कारा। ये मास्कारा बहुत ही अफोर्डेबल है, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा वॉल्यूम देती है, सो मैं अपने अपर लैश लाइन में एंड लोअर लैशेज में इसे अप्लाई कर रही हूँ। सो नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ NY बेक की आईलाइनर। ये आईलाइनर सुपर अफोर्डेबल है, purple.com में हमेशा आपको ये वाली जो आईलाइनर है मिलेगी एंड साथ ही साथ इसमें बहुत अच्छा खासा आपको ऑफर भी मिल जाएगी। सो मैं एक छोटा सा क्यूट सी लाइक विंग आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। नेक्स्ट फॉर फॉल्सीज आज मैं यूज़ कर रही हूँ जेंड्रिक की फॉल्स लैशेज
एंड ये लैशेस बहुत ही अच्छा वॉल्यूम देती है, साथ साथ नेचुरल भी दिखती है, आपको अमेजोन में मिल जाएगी इजीली। एंड आफ्टर दैट फॉर काजल मैं आज यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की कलर आइकॉन कोल आईलाइनर, इट इज़ इन दी शेड कॉलिंग योर बफ। ये रोज़ नेचुरल कलर में आती है एंड आप अगर इसको यूज़ करोगे आपके आईज़ जो है बहुत ही ज़्यादा बड़े दिखेगी, क्योंकि खासकर मेरी जो आईज़ है बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं तो मैं इसको खासकर ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट मैं सेम मेरी हाइलाइटर से ये वाली जो शिमर है इसको यूज़ कर रही हूँ एंड मेरे आईब्रो बोन को हाईलाइट कर रही हूँ एक स्मॉल पेंसिल ब्रश के हेल्प से। आफ्टर दैट फॉर लिप लाइनर मैं आज यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की कलर आइकॉन लिप लाइनर, इट इज़ इन दी शेड चेस्ट नट। एंड ये जो लिप लाइनर है बहुत ही अफोर्डेबल है, साथ साथ बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, ऑल्सो सुपर लाइक क्या बोलूँ मैं, क्रीमी है एंड बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी है, आपकी जो लिपस्टिक है इसको ब्लीड होने नहीं देगी। सो ये बहुत ही अच्छा है, एक बार आप इसे ट्राई करके देख सकते हो। आफ्टर दैट मैं आज फॉर लिपस्टिक यूज़ करने वाली हूँ लैक्मी 9 to 5 प्राइमर प्लस मैट लिपस्टिक, इट इज़ इन दी शेड रेड कोट एंड बहुत ही अच्छा कलर है एंड लाइक क्यूट बंगाली जो रेड कलर की लिपस्टिक्स होते हैं एकदम प्रॉपर कलर है ये वाली। एंड आफ्टर दैट मैं अपने जो मेकअप है उसको सेट कर लूँगी विद हेल्प ऑफ द लॉरियल पैरिस इनफॉलियबल प्रो स्प्रे एंड सेट मेकअप सेटिंग स्प्रे, एंड ये जो सेटिंग स्प्रे है बहुत ही अच्छा है गाइज। सो हियर इट इज गाइज, दिस इज माई फाइनल मेकअप लुक। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा यूजफुल लगी है, आपको अच्छा लगा है देन मेक श्योर इस वीडियो को लाइक एंड इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए। ऑल्सो गाइज अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना है, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड गाइज अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस देख रहे हो, आगे भी आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस देखना है लेकिन अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फॉर दैट आपको क्लिक करनी पड़ेगी नीचे की रेड सब्सक्रिप्शन बटन में, उसके ही बगल में टिंग टिंग वाली छोटू सा बेल आइकन आएगी उसको भी क्लिक कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी सारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है पहले आपके पास पहुंच जाएगी। सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ मैं, फिर मिलूंगी आप लोगों के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल।